क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस में इंग्लिश के द विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर में जो पहले ही लेसन है उसका नाम है द थर्ड लेवल। बच्चों को कंप्लेन रहती है कि थर्ड लेवल समझ में नहीं आती। थर्ड लेवल एक्चुअली रिटन बाय जैक फिनी। जैक फिनी वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवलिस्ट हु हैज रिटन टाइम एंड अगेन इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नेचर, फॉरगॉटन न्यूज, गुड नेबर सैम। तो मूवी बनाए गए हैं। द थर्ड लेवल लेसन में ऑथर ने क्लियरली एक्सप्लोर किया है साइंस फिक्शन जॉनर को, जिसमें टाइम ट्रेवल को उन्होंने मेन थीम लिया है। जैक फिनी वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड के रेसिपिएंट हैं। उन्होंने फैंटेसी और रियलिटी का बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक संयोजन बना के टाइम ट्रेवल के ऊपर ये कहानी लिखी है। चार्ली हमेशा रियलिटी से भागना चाहता है और भागने के लिए उसे जो थर्ड लेवल मिला था, लेकिन चार्ली भाग नहीं पाया। और बहुत ही हैरत की बात है कि सैम को भागने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सैम इस मॉडर्न दुनिया में एक साइकियाट्रिस्ट है जो कि दूसरों की मेंटल बीमारी ठीक करते थे, और इसी तरह वो दूसरों की मेंटल बीमारी ठीक करते करते उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि वो मॉडर्न दुनिया से भागकर पुराने ज़माने के इलिनॉइस गेल्सबर्ग में जाकर बस जाए। और इसीलिए इस कहानी में लास्ट में हमको ये ट्विस्ट मिलता है, चार्ली जो बार बार ढूंढता रहता है थर्ड लेवल को, लेकिन उसे नहीं मिलता और सैम को पहले मिल जाती है। असल में चार्ली के पास भागने की दूसरी तरकीबें भी थी, क्योंकि जब वो इस मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस से भागना चाहता था, तभी उसके ग्रैंडफादर के जो इकट्ठे किए हुए स्टाम्प कलेक्शन थी उनका सहारा लेके वो भागना चाहता था।